हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने कॉर्गेट बोर्ड्स के ऊपर एक हाफ लेक्चर बनाया था, ठीक है। अभी इसमें सेकंड हाफ लेक्चर है, तो इसमें है आपका सिलेक्शन एंड स्टाइल ऑफ शेप, ठीक है। तो जो बोर्ड्स है आपके, वो हमेशा एक ही शेप और एक ही साइज़ का तो नहीं होता है, अलग अलग शेप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स। तो वैसे ही अलग अलग शेप्स की बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनको बनाया जाता है, ठीक है। उनका लेंथ डिफरेंट, उनका विड्थ डिफरेंट, उनके अंदर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है होनी है, उस हिसाब से उनका वॉल्यूम, उनका डेप्थ, ठीक है। क्योंकि एक ये क्यूब या क्यूबॉइड है तो ऑब्वियसली LBH, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई पैटर्न्स हैं बॉक्सेस के, तो कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे कि ये क्या है, रेगुलर स्लॉटेड कंटेनर और सेंटर स्पेशल स्लॉटेड कंटेनर, फुली ओवरलैप स्लॉटेड कंटेनर, फुल टेलीस्कोपिक हाफ स्लॉटेड कंटेनर, कोलैप्सिबल फाइव पैनल स्टिच्ड एंट्री। तो आप यहाँ पर देखना, एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं, एक छोटा सा कार्टन बॉक्स है, ठीक है। ये आपका ऑल आउट बॉक्स छोटा सा है। अब देखो इसमें जब ये बना होगा तो इसका शेप आप देखो छोटा सा है, फाइन। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसकी डेप्थ और इसमें वॉल्यूम, एक छोटा सा इसमें अंदर बॉक्स आ रहा है, आपकी बॉटल आई है, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब आप दूसरे बॉक्स को देखो, तो इसमें प्रोडक्ट कितना बड़ा आना है उस हिसाब से इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये है इसका क्लोजर है। इसको क्लोज कैसे करना है उसका तरीका, तो ये है इसका क्लोजर, पोस्चर ऑफ क्लोजर, ठीक है, कि हम उसको क्लोज कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पर भी ये जो चीज़ है, ये है इसका पोस्चर ऑफ क्लोजर, इसका तरीका क्या है, इस तरीके से यहाँ पर स्टिक होगा ये, ठीक है। हर प्रोडक्ट का अपना तरीका है। और ये इसमें आप देखो, ये बड़ा जो आपका आप कार्टन बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बड़ा प्रोडक्ट, एक AC आया था, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है। और डिपेंडिंग अपॉन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिस बड़े कार्टन के अंदर काफ़ी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब आप देखो, जैसे पिज़्ज़ा आता है जिस तरीके से, या केक आता है, तो उनका बॉक्स ऐसा रहता है, उसका क्लोजर देखो उस टाइप से रहता है, इस तरीके से खुलता है यहाँ से। मैं भी खोल नहीं रही हूँ उसको, टाइटली बंद है। और ये एक छोटा सा, ये अगर कैंडल्स वगैरह का बॉक्स है तो छोटा बॉक्स, ठीक है। ये इसका क्लोजर का तरीका क्या है, ये साइड, ये साइड से खुल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो केक्स का क्या होता है, ये अपलिफ्ट होगा, ये ऊपर यहाँ से खुलेगा और इस टाइप से अपलिफ्ट होगा। क्योंकि आपने देखा ही है पिज़्ज़ा का बॉक्स कैसा होता है और केक्स का बॉक्स कैसा होता है, ठीक है। तो ये है आपके शेप्स एंड स्टाइल ऑफ कॉर्गेटेड बोर्ड्स, ठीक है। और ये उनकी लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, डेप्थ, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं आपके ICR नोट्स में, उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, बस एक देख लेना, वो उतना डिटेल आएगा नहीं। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर ऑन।